वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीनट फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत हेल्दी, क्विक और इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है और ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो बनाना शुरू करते हैं। पीनट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक अंडा। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडा फेंटने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप मिल्क, यानी 3 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो अब हम लेंगे एक ब्रेड स्लाइस। इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट पीनट बटर। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड या नटेला के भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या चीज़ स्प्रेड भी ले लें। मैं 1 टेबलस्पून के करीब अप्लाई कर रही हूँ, आप उतना ही अप्लाई कीजिए जितना आपको पसंद हो और इसे पूरी ब्रेड पे इवनली स्प्रेड कर दीजिए। और दूसरे ब्रेड के साथ अब हम इसे कवर कर देंगे। तो अब हम इसे डिप करेंगे अपने एग के अंदर, जो हम अंडे के मिक्सचर के अंदर हम इसे डिप करेंगे। एंड दूसरी तरफ हम इसे चारों तरफ से पहले कोट कर लेंगे और उधर हम तवे को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे, ताकि आप जैसे ही इसमें से निकालें तो फौरन इसे डाल दें तवे के ऊपर। सो अब हमने कोट कर लिया है, तो हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे फ्राई पैन के ऊपर और इसे रख देंगे। अब हम इसे टोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। तो 2 मिनट बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। तो जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, तो हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम इसे थोड़ा खड़ा करके भी पका लेंगे, ताकि जो हमने साइडों में एग अप्लाई करा है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अब हमारा जो एग है वो पक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो रेडी है हमारा पीनट फ्रेंच टोस्ट बनकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम इसे रेक्टेंगुलर शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो ट्रायंगुलर शेप में भी कट कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो आप उस शेप में कट कर लें। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्नैक्स बनते हैं। आप इसे एज अ ब्रेकफास्ट भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे एज अ स्वीट डिश भी ले सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंदर से जूसी बने हैं और बहुत फ्लफ़ी बने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क ऐड करा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बने हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू शेयर एंड डू कमेंट। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।